हेलो एवरीवन, वेलकम माय 3S लॉर्न इलेक्ट्रिकल वर्क। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है एलएमडब्ल्यू रिंग फ्रेम का जो आपका जो डॉफर होता है, डॉफर में क्या होता है, आपका जो ग्रिपर लीकेज का प्रॉब्लम आता है। ये जो ग्रिपर लीकेज होता है, ग्रिपर लीकेज का मतलब क्या होता है, ये इसमें जो इसका काम क्या होता है, इसमें जैसा बॉबिन मैंने डाला हूँ, यहाँ पर बॉबिन पकड़ लिया, बॉबिन पकड़ के क्या होता है, ऐसे पकड़ के रखेगा। अभी क्या है, इन्फ्लेट में रखा हूँ मैं, या क्या होगा, इसमें कोई लीकेज होगा, इसमें कुछ भी लीकेज रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर बराबर नहीं आएगा, तो ये बॉबिन बराबर नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा, बॉबिन को उठाएगा लेकिन सब गिरा देगा नीचे। तो इसके लिए प्रेशर स्विच का काम क्या होता है, ये परफेक्ट उसको सिग्नल देगा किसको, PLC को, कि हाँ बराबर परफेक्ट प्रेशर आ रहा है। इसमें प्रेशर सेटिंग होता है, जैसे आपका 5 kg है, 4 kg है, 6 kg है, तो इसके हिसाब से आपको इसमें कितना kg यूज होता है, इसके हिसाब से आपको क्या करने का, इसको इन्फ्लेट करके फिर आपको इसमें प्रेशर सेटिंग करने का। इसमें प्रेशर सेटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो एनओ है, एनओ में सप्लाई जाएगा तो क्या होगा, PLC को सिग्नल देगा कि हाँ वो बराबर है, प्रेशर ऑलरेडी बराबर है। और ऐसा होगा वो एनओ में सप्लाई नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो इसमें सप्लाई नहीं आएगा तो क्या होगा, इसको मालूम पड़ जाएगा, PLC को मालूम पड़ जाएगा कि आपका ग्रिपर लीकेज है। ग्रिपर में कभी कभी मेंटेनेंस साइड में भी लीकेज रहता है, ये कभी डैमेज हो जाता है, तो इसके लिए लीकेज रहता है। कभी कभी हमारा प्रेशर स्विच भी प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए हमको क्या मैनुअल में इसको सेट भी करना पड़ता है। B15 और 15A जो प्रेशर स्विच रहता है इसमें, तो ये प्रेशर स्विच का आपको कैसे सेट करने का है, तो इसको आपको मैं यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है, एक कनेक्टर में पहले आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लस 24 वोल्ट को सप्लाई देना पड़ेगा, तो उसके बाद इसमें क्या होता है, ये प्रेशर स्विच एक सेंसर जैसा होता है, इसमें NO और NC रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रेशर आएगा तो उसमें क्या होगा, फिर आपका जो NO में ये कनेक्शन क्या होगा, वो NC हो जाएगा, और NC वाला जो है NO हो जाएगा। तो इसमें सेटिंग करने के लिए क्या आप करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले ये जो स्क्रू को इसको ढीला करना पड़ेगा, ढीला करके फिर इसको ढीला करने के बाद इसको घुमाना पड़ेगा, घुमा के आपको सेट करने का है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबको आप इसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ डिस्प्ले में। उसमें पहले डिस्प्ले में उसका जो सेटिंग है, सेटिंग दिखाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कैसे करने का है। चलते हुए डिस्प्ले के पास, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉफर है, डॉफर को थोड़ा क्या करने का है, ऊपर लेने का है, पहले आउट करके बाहर करके ऊपर लेने का है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करने का है, डिस्प्ले में जाने का है, इसमें सेटिंग में जाने का है। सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे डॉफर है, डॉफर में आने का है, डॉफर में आके ये वाला जो है इसको प्रेस करने का है। इसके बाद इसका चार्ट आ गया है, इसका आपका ऊपर ये ऑफ के लिए है, ये डाउन के लिए है डॉफर, और इसके बाद ये इन है, आउट है, स्विंग इन आउट है, और ये आपका इनफ्लिज और डिफ्लिज। तो ये आपको क्या करने का है, अभी उसको इनफ्लिज मतलब क्या होता है, प्रेशर अभी अंदर जाएगा, डिफ्लिज मतलब प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसके लिए क्या पासवर्ड डालने का है, पासवर्ड डाल दिया। तो इसके बाद फिर क्या करने का, बाईपास मोड में ले लेता हूँ, लेके फिर क्या करता है, इनफ्लिज में प्रेस करूँगा। तो आवाज़ भी आ गया है, प्रेशर चला गया उसमें, तो वहाँ पे मैं देखा देता हूँ आपको, वो बाहर आ गया होगा। अभी देखते हैं, अभी उधर जाके ये ग्रिपर है, ग्रिपर में ये बाहर आ गया ना अभी। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको प्रेशर स्विच के पास, उसको सेट कैसे करने का है। जो प्रेशर स्विच है B15 है, उधर साइड में B15A है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मीटर से चेक करके दिखा देता हूँ आपको। अभी मेरे पास मीटर है, इसमें 24 वोल्ट में लगाया हूँ, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल लगा दिया उसका, जो अर्थिंग न्यूट्रल मतलब माइनस है, माइनस लगा दिया। तो उसके बाद फिर क्या किया, यहाँ पे आपको दिखाया था रेड वाला जो है कॉमन है, प्लस वाला जो है वो 24 वोल्ट कांस्टेंट उसमें आता है। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, फिर घूम के उसका जो एनओ वाला जो है वो ऊपर वाला एनओ है, ये एनओ में लगाऊंगा तो ये 24 वोल्ट इसमें आ रहा है। तो अभी क्या है, प्रेशर उसमें है ऑलरेडी, ये 24 में आ रहा है, वो उसका जो 25 वोल्ट इसमें आ रहा है। तो अभी दोबारा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। अभी इसका कॉन्स्टेंट सप्लाई आता है, रेड में लगाया अभी आ गया, तो उसके बाद फिर मैं एनओ में लगाता हूँ, एनओ में वो आ रहा है। तो उसके बाद ऊपर लगाऊंगा तो एनसी में नहीं आएगा, वो जब बंद होगा तो वो एनसी में आएगा। तो हमको काम कौन किस में रहता है, हमारा जो काम किस में रहता है, हमारा काम एनओ में रहता है, बीच वाला में रहता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेटिंग करके दिखाता हूँ कैसे सेट होता है। अभी इसका जो सेट है, अभी सेटिंग कैसे करेंगे अभी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला नीचे वाला जो स्क्रू है, पहले ये वाला नीचे वाला स्क्रू, इसको मैं लूज करता हूँ, फिर उसके बाद इसको घुमा के दिखाऊंगा अभी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला को मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा लूज कर देता हूँ, ये आपका लूज हो जाएगा, ये लूज हो गया, ये लूज होने के बाद फिर इसको मैं क्या करूँगा, घुमाएंगे। तो इससे पहले क्या करने का है, मीटर को क्या करता हूँ, इसमें लगा देता हूँ,
किसमें एनो में लगा कि इधर 24 वोल्ट आ रहा है इसको इसमें अभी आपको क्या करने का है, इसमें माइनस में नहीं, वो एनो में लगाने का है। एनो में लगा कि फिर उसके बाद इसको क्या करने का है, इसको टाइट करेंगे। पहले इसको टाइट करके देखते हैं। अभी टाइट किया तो क्या हो गया, वो इतना टाइट में अभी ये प्रेशर कट हो गया है। तो कट हो गया मतलब अभी ये ऑपरेट में है। ऊपर थोड़ा देखा देता हूँ, इसमें अभी प्रेशर ओपन है, अभी ग्रिपर में सब प्रेशर ओपन है, अभी ओपन है इधर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर मीटर के पास, मीटर में अभी प्रेशर क्या हो गया, कट हो गया, मतलब ऐसा रहेगा तो आपका क्या होगा, वहाँ पे ग्रिपर लीकेज का सिग्नल दे देगा। तो इसको आपको क्या करने का है, इसको मैं लूज करता हूँ, लूज करूँगा तो क्या होगा, तो इसको लूज किया तो इसमें प्रेशर ऑलरेडी है, तो लूज किया तो मैंने क्या, इसका जो एनो वाला है, एनो में सप्लाई आ गया है, तो इसको टाइट करूँगा तो क्या होगा, ये टाइट करूँगा तो इसको क्या होगा, सप्लाई है, सप्लाई कट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उधर जो है उसको प्रेशर जो है अभी इसको रिलीज कर देता हूँ, प्रेशर छोड़ देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सप्लाई क्या होगा, कट हो जाएगा अभी। तो अभी मैं जाता हूँ उधर तो उसको रिलीज करता हूँ। अभी क्या किया मैंने, प्रेशर अभी क्या किया, अभी मैंने रिलीज कर दिया है, तो इन्फ्लेट और डिफ्लेट किया। अभी मैंने क्या किया, डिफ्लेट किया, तो इसके बाद क्या हो गया, प्रेशर अभी छोड़ दिया। यहाँ पे मैं ग्रिपर में दिखा देता हूँ आपको, ग्रिपर में क्या हुआ, अंदर चला गया है। फ्रेंड्स अभी चलता हूँ, मैं आपको डिस्प्ले में दिखा देता हूँ एक बार। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बाईपास में लिया, यहाँ पे इन्फ्लेट किया, तो अभी क्या हो गया, ये इन्फ्लेट हो गया, आवाज़ भी आ गया। वहाँ पे दिखा देता हूँ आपको बॉबिन कैसे पकड़ा है, वो यहाँ पे बॉबिन पकड़ के रख दिया, यहाँ पे बॉबिन पकड़ा है, तो इन्फ्लेट में बॉबिन पकड़ लिया है। अभी मैं डिफ्लेट करूँगा तो बॉबिन क्या करेगा, वो छोड़ देगा। अभी क्या करता हूँ, डिफ्लेट करूँगा, बॉबिन गिरा देगा डायरेक्ट, गिरा दिया ना।